हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी मेंस 2018 के लिए जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 1 लेकर आई हूं। इसके पीडीएफ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। इसका पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप। आगे भी है इसका टॉपिक, मैं सिर्फ अभी कला को लेकर चलूंगी यहाँ पर, और कला के आगे वास्तुकला, साहित्य, जो भी टॉपिक है वो आगे कवर होता जाएगा जैसे जैसे वीडियोज आती जाएंगी। अब ये टॉपिक जो नंबर पॉइंट नंबर 1 है, ये टॉपिक एज इट इज़ बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मुझे भी इस पर जो काम करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें सब टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन लेसन दूंगी कि मैं इसमें क्या क्या कराऊंगी आपके लिए। तो यहाँ आप देखिए, ये आपका जनरल स्टडी पेपर 1 का पॉइंट नंबर 1 है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। अब कला के अंदर बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर देखिए, सेलियंट फीचर ऑफ आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म से नहीं है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ दिया हुआ एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब कितने सारा इसमें एस्पेक्ट हमें क्लियर करना है, कवर करना है, तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ आप देखिए, भारतीय विरासत और संस्कृति के सिलेबस में दिया गया है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम कला को देखें तो उसमें सब कुछ आता है। जैसे कला में डांस, नाटक, पेंटिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सम्मिलित की जाती है। और तो इतना यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा इसे कवर करने में। मैं आपके लिए थोड़े से दो क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, ये इसी पॉइंट नंबर 1 से आए हैं यूपीएससी के पेपर में, और एज इट इज़ ये यूपीएससी से उठाया गया टॉपिक है। जैसे यूपीएससी में पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, भारतीय प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, एज इट इज़ यूपीपीएससी में भी यही पॉइंट दिया हुआ है। तो बहुत हद तक सिमिलर है कि क्वेश्चन भी उसी हिसाब से यहाँ पर उठाए जाएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण्य विषय और कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए, विशदीकरण कीजिए, मतलब इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर अब यहाँ कला के अंदर, यहाँ पर बौद्ध कला के बारे में, तो हमें यहाँ पर बौद्ध, जैन, जरतुष्ट, यहूदी, यहाँ सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कला के बारे में भी यहाँ हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं कुशल विद्वान थे अपितु विद्या और साहित्य के महान संरक्षक थे। अब यहाँ राजा के नाम से भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि पर्टिकुलर राजा ने कौन से साहित्य को संरक्षण दिया, कौन सी कला को संरक्षण दिया, इस हिसाब से भी हमें ये पूरा यहाँ पर टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन की प्रकृति यहाँ देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे यूपीएससी में पूछा गया, लेवल का मैं नहीं कह सकती क्योंकि अभी कोई भी मॉडल पेपर आया नहीं है कि पता चल सके कि लेवल क्या होगा, बट फिर भी जैसा कि टॉपिक यूपीएससी से उठाया गया है तो हो सकता है कि क्वेश्चन भी उसी हिसाब से उठाया जाए, तो हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी बुक में एज इट इज़ नहीं दिया हुआ कि यहाँ क्या हमें कवर करना होगा, तो इसी हिसाब से हम यहाँ कवर करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे पूरा यहाँ पर जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, इस्लाम, सूफी मत, ईसाई धर्म, जरथूस्ट धर्म, यहूदी धर्म, पंथ और संप्रदाय के बारे में क्या क्या है, और इसके जो भी फीचर्स होते हैं वो मेन हम देखेंगे कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। तो पूरा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, काफ़ी लेंथी टॉपिक है और टाइम कम है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के लिए उतना लेकर आऊँ, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारा जो जैसे मैंने आपको बताया है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग सारा एक एक पॉइंट कराऊंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा की मात्रा में, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।